पहले भक्ति बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनकी भक्ति जो है थोड़ी कम हो जाती है, तो क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिनकी भक्ति कम हो जाती है उनका मेन कारण होता है कि शुरुआत में जितना मन उनका निष्काम होता है, शुरुआत में केवल उनको भक्ति चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का प्रेम चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उनके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जब कोई बाधा पड़ती है या कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे उनका मन जो है भक्ति से फीका होने लगता है। एक रस भक्ति वही कर सकता है जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करेगा, निष्काम श्रद्धा रखेगा, निष्काम सेवा करेगा, और जो सकाम भक्ति करेगा एक रस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब उसकी कामना पूरी नहीं होगी तब तब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर दो, भक्ति भी कुछ लोग स्वार्थ के कारण शुरू करते हैं, लेकिन इष्ट देव गुरुदेव उसको जान नहीं पाते, लोग नहीं जान पाते, लोग समझे हैं बहुत बड़ी श्रद्धा से भक्ति कर रहा, और बहुत लोग ठगई के कारण भी भक्ति शुरू करते हैं। एक महात्मा के पास में कोई भक्त आया तो प्रथम दिन उसने 11,000 दक्षिणा दिया, दूसरे दिन आया 21,000 दक्षिणा दिया, चरण छूकर चला गया, तीसरे दिन आया 51,000 दक्षिणा दिया, चरण छूकर चला गया, चौथे दिन आया 1,51,000 दक्षिणा दिया और चरण छूकर जा रहा था। तो उस महात्मा के शिष्य साधु संत और उस महात्मा ने सोचा इसकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, रोज दक्षिणा बढ़ा रहा, रोज आ रहा, चरण छूकर जा रहा, और कुछ भी जो है नहीं मांग रहा, ना बैठ रहा, ना बात कर रहा, तो इसको बात किया जाए, प्रेम किया जाए। तो जो वहाँ के गुरु जी थे, ये गुजरात की घटना है, नाम नहीं लूंगा, ये सत्य घटना है। तो गुरु जी ने अपने संतों से कहा, साधकों से, इसको बुला लाओ, बुला के लाए। बोले कि आप क्या काम करते हैं? बोले सब आपकी कृपा है बापू जी, आपकी दया है, कुछ नहीं करता हूं, सब ठीक है, आज थोड़ा जल्दी हूं इसलिए जाने दीजिए, कल फिर आऊंगा। कल फिर आया, उसने 2,51,000 भेंट कर दिया। अब वो जो गुरु थे, बापू थे और संत थे, उन्होंने सोचा इतना बड़ा दानी आज तक कोई भक्त मिला ही नहीं, बड़ा समर्पित है, कितना इसके पास पैसा होगा, उन लोगों ने सोचा। तो उसको एक कमरे में गुरु जी ने दर्शन दिया, उसने कहा हमको अलग से गुरु का दर्शन चाहिए, तो गुरु जी ने दर्शन दिया। और वो कहावत है कि अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलिम ठेला, ठग गुरु और ठग चेला। तो अंदर बैठकर बात क्या किया, गुरु ने पूछा तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से, जो रोज ये 2,51,000 1,51,000 सब दान करते रहते हो? तो उसने कहा महाराज जी हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, और आप यदि चाहें तो आप अपने आश्रम की ओर से जो है पार्टनर बन सकते हैं, देखरेख तो मैं कर दूंगा, और हर महीने में आपको 10-20 लाख प्रॉफिट होता रहेगा, मैं तो आपका भक्त हूँ ही। तो महात्मा जी ने कहा तो ठीक है कर दीजिए, तो कितना शुरुआत में बजट दूँ? तो उसने कहा जितना बजट दोगे उतना फायदा होगा। तो महात्मा जी से उसने 2 करोड़ का बजट लिया और बिजनेस शुरू कर दिया। और जिस दिन महात्मा जी ने 2 करोड़ दिया उस दिन से दोबारा लौट कर आया ही नहीं, और उसका आता पता ढूंढे मिला ही नहीं, महात्मा जी ठगा गए। तो इस तरह से ठग लोग भी भक्ति करते हैं, पहले से उनके अंदर चालाकी रहती है। कई बार कुछ ऐसे सकामी शिष्य आकर के गुरु जी के पास में गुरु मंत्र ले लेते हैं और वहाँ निवास करते हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन उनका निशाना रहता है गुरु कम मरेगा और गुरु की गद्दी कम मिलेगी। अगर गुरु जल्दी नहीं मरा तो इतने लंबे समय तक तो इंतजार कर नहीं सकते हैं, तो बीच में ही फिर वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, उनकी श्रद्धा टूट जाती है, क्योंकि श्रद्धा उनकी लालच की श्रद्धा थी।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची भक्त ने इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अगर कामी है व्यक्ति, काम वासना में डूबा है, लालची है, लोभी है और क्रोधी बहुत है, अभिमानी है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। बनावटी कुछ दिन करेगा, उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ देगा। और जो लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है वो उन्हीं की कमी ज़्यादा होती है, और या तो उनको गुरु ठीक ठाक नहीं मिलते हैं, गलत गुरु मिल गए तो गलत गुरु मिलने के कारण जो है उनकी श्रद्धा जो है फिर डगमगा जाती है। इसलिए गुरु भी अच्छा होना चाहिए और शिष्य भी अच्छा होना चाहिए, दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है, अखंड भक्ति चलती रहेगी। और भक्ति जो है निष्काम ही चलती है। जैसे शिवरी को राम की भक्ति करती थी लेकिन राम से कुछ नहीं चाहती थी, राम की सेवा किया, शिवरी की भक्ति कभी टूटी नहीं, छूटी नहीं। ऐसे केवट ने भक्ति राम की किया तो हमेशा के लिए इंतजार करता रहा, प्रभु कब लौटेंगे, 14 साल तक इंतजार किया और श्रद्धा कभी टूटी ही नहीं। तो जिसकी भक्ति निष्काम होगी और भक्ति के साथ साथ जिसके पास साधना भी होगी वही भक्ति कर पाएगा। अब भक्ति व्यक्ति करता है और साधना नहीं है, विषयासक्त है, आसक्त है, मोहासक्त है, कामासक्त है, व्यभिचारी है, कुकर्मी है, तो उस आदमी की भी भक्ति ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। भक्ति साधनाशील व्यक्ति की ही सदैव चलेगी और जिसके अंदर त्याग होगा उसी की सदैव चलेगी। और ये किसी आकर्षण में आकर के भक्ति करने वाले लोग, इनकी भक्ति तो अंदर है ही नहीं, खाली बनावटी दिखावटी होती है। इसलिए हमको निष्काम भक्ति करना चाहिए और प्रसन्न होकर के गुरुदेव की सेवा निष्काम भाव से हम करें और उनके चरणों में इसलिए हम श्रद्धा जोड़ें। भक्ति का उद्देश्य हमारा है मुक्ति प्राप्त करना, भक्ति का उद्देश्य नहीं धन प्राप्त करना या उनकी गाड़ी प्राप्त कर लेना और या उनका जमीन जगह प्राप्त कर लेना, ये उद्देश्य नहीं है। भक्ति का उद्देश्य है धन जमीन जगह तो घर से छोड़ कर आए ही हो, उसी को त्याग कर आए हो, अब फिर यहाँ उसी का लालच कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ, कोई अर्थ नहीं निकला तुम्हारा। कितने ऐसे भी शिष्य आ जाते हैं कि गुरु से लल्लो चप्पो करके जमीन अपने नाम थोड़ी बहुत करा लेते हैं, गाड़ी वाड़ी अपने नाम दो चार करा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी पर केस दायर करते, गाड़ी मेरी है, पुलिस विभाग में बोलते हमको दिलाई जाए, मुकदमा लगा देते हैं, फिर ये हमको जमीन दिलाई जाए, मेरी है, मेरे नाम है। अब गुरु भी असमंजस में पड़ गया, साधु संत सब असमंजस में पड़ गए, अरे ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, लोभी है, बेईमान है, चोर है। अब वो चोर तो छिपा हुआ चोर था, लल्लो चप्पो करके मीठा बोल के बड़ा दिखा दिया कि मैं मैनेजमेंट करता हूँ, और उसके झूठे प्रेम में गुरु भी भूल गए और शिष्य भी भूल गए। लेकिन ये गलत कर्म का नतीजा अच्छा नहीं है, हमेशा मानसिक असमंजस, टेंशन का दुख मिलेगा, शांति कभी नहीं पाओगे। इसलिए निष्काम भक्ति करो, ज़्यादा धन की आवश्यकता हो संसार में रहो, खूब मेहनत करो, कमाओ, आगे बढ़ो, ये साधु समाज में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी से काम करना चाहिए और सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए, त्याग वैराग्य अच्छा होना चाहिए, और यदि गृहस्थ भक्त आप तो सदगृहस्थ बन करके रहना चाहिए और एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करना चाहिए और साथ साथ में अपने परिवार का भी निर्वहन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, उसी में से कुछ संत गुरु की सेवा के लिए भी 10% लगाना चाहिए और हमेशा निष्काम गुरुदेव के चरणों में आस्था रखनी चाहिए। स्वार्थ की भक्ति नहीं चल पाती हमेशा, इसलिए हम परमार्थ के लिए गुरुदेव से जुड़े, धर्मार्थ के लिए जुड़े, अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़े, अपने मन की शुद्धि के लिए जुड़े, स्वभाव और चरित्र के सुधार के लिए जुड़े, और इसलिए उनका हम ध्यान करें, उनकी पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें, आरती करें और उनके चरणामृत का पान करें और उनका गुणगान करें। लेकिन वो उद्देश्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मशांति प्राप्त करना, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, स्वार्थ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हम भक्ति करते हैं तो निश्चित हमारा कल्याण होगा और अखंड भक्ति हमारी चलती रहेगी, कभी वो भक्ति टूटेगी नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।